नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। कलेक्टर ने जतारा जनपद पंचायत के बीआरसी भवन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान आयुष्मान कार्ड, कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं पोषण पखवाड़ा के तहत कलेक्टर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जतारा जनपद में फर्स्ट और सेकंड 3523 वैक्सीन लगाई गई हैं और वैक्सीन के बारे में हमें सबको जागरूक करना है और हर व्यक्ति को वैक्सीन के बारे में समझाना है। 45 साल की उम्र से 60-65 साल की उम्र के महिला एवं पुरुषों को जागरूक करना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगवाने हैं। जतारा SDM डॉक्टर सौरभ सोनवड़े एवं जनपद पंचायत के कर्मचारी, महिला बाल विकास के समस्त कर्मचारी इस बैठक में उपस्थित रहे। वर्तमान में जो 2-3 योजनाएं चल रही हैं, एक तो आयुष्मान कार्ड बनाने का काम प्रगति पे है, तो हम सभी गांवों में और नगरीय क्षेत्रों में ये जो भारत सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना है, जिसमें 5 लाख तक के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था है, तो ये कार्ड बनाने के लिए सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और पूरी टीम को, गांव में जो अन्य पटवारी रहते हैं, सचिव, रोजगार सहायक, इनको हमने लगा रखा है और इस टीम के माध्यम से अच्छी प्रगति ज़िले में मिल रही है। दूसरा, कोरोना से संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार चिंता का विषय है। यद्यपि ज़िले में अभी बहुत स्थिति अच्छी है अभी तो, लेकिन जो भोपाल इंदौर में थोड़े से केसेस ज़्यादा आए हैं, तो उसको देखते हुए हमको भी पर्याप्त सतर्कता बरतनी है, इसलिए भी हमने सभी को आगाह किया। कोविड वैक्सीनेशन के लिए जो 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो 45 साल से ऊपर के कोमार्बिड वाले व्यक्ति हैं, उनको शासन निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन करवा रही है। हमारे ज़िले में 35 केंद्र, कल उनमें सेशन है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जिला चिकित्सालय भी है, कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र भी रखे गए हैं। तो इन 35 केंद्रों पे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन व्यक्तियों को प्रेरित करके ले आ सकते हैं और उनका टीकाकरण करवा सकते हैं, इस बारे में भी हमने जागरूक किया है। इसके अतिरिक्त पोषण पखवाड़ा चल रहा है, 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस पखवाड़े के दौरान भी जो हमारे अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं या कुपोषित बच्चे हैं, उनकी भी विशेष देखभाल के बारे में सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की।